गाइस आप सभी का स्वागत है GTA 5 के एक और गेम प्ले में। आज मेरी कार चोरी हो गई, मेरे को पैदल ही घर जाना होगा, पर अचानक ये क्या हुआ, मैं तो टकरा गया और गाइस मेरी आत्मा तो मेरे शरीर से बाहर निकल आई। शायद अब मैं मर चुका हूँ। अब मेरे को आत्माओं की दुनिया में जाकर खुद को वापस लाना होगा, तब शायद ही मैं वापस जिंदा हो पाऊँ। पर गाइस उसके लिए कार लेकर मेरे को ऐसी जगह पर जाना होगा जहाँ पर आसमान में जाने वाली सीढ़ियां हो। चलो यहाँ से शॉर्टकट लेते हैं, क्योंकि अगर मैं लेट हो गया तो शायद कभी जिंदा ना हो पाऊँ। मेरे को जल्दी से उस जगह पर जाना होगा क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता, मेरे को समय पर पहुँचना होगा। देखो वो सीढ़ियाँ आ गई जहाँ से मैं दूसरी दुनिया में जा सकता हूँ। मेरे को यहाँ से जंप करना होगा, शायद मैं उस जगह पर पहुँच गया। पर गाइस मेरे को अभी भी काफी खतरनाक रास्ता पार कर शैतानों से लड़ना होगा। ये जो सामने रास्ता जा रहा है इसे होकर मैं राक्षस तक पहुँच सकता हूँ जहाँ पर मेरा शरीर पड़ा हुआ है। पर गाइस वहाँ पहुँचने के बाद मेरे को शैतानों का सामना करना होगा, तभी मैं वापस से जिंदा हो पाऊंगा। ओ भाई साहब, अचानक से कार तबाह हो गई, शायद यहाँ पर मैं गाड़ी नहीं चला सकता। तभी इसके अंदर अचानक देखो आग लग गई। चलो जल्दी इसको गोलियां मारकर यहाँ से नीचे गिरा देते हैं। यार वो तो नीचे गिरकर पानी के अंदर डूब गई। अब मैं और टाइम खराब नहीं कर सकता, मेरे को यहाँ से होते हुए इस रास्ते को पार करना होगा। पर गाइस देखो वहाँ पर किसी ने जाल बिछा रखा है, क्यों ना उसको गोलियां मारकर मैं आराम से तबाह कर दूं। ओहो, धमाका तो काफी ज्यादा बड़ा था। अब मेरे को कूद कर इसको पार करना होगा, पर अचानक पानी से उछल कर ये मगरमच्छ कहाँ से आ गया। अब तो गाइस आप समझ गए होंगे मेरा रास्ता आसान नहीं होने वाला, ये तो मेरे को कच्चा चबा जाएगा। देखो कितना ज्यादा खून निकाल दिया। अब पूंछ से मार कर हवा में फेंक दिया, मेरे को जल्दी कुछ करना होगा नहीं तो इसके हाथों मारा जाऊंगा। पर गाइस आखिर में करूँ क्या, क्यों ना इसके मुँह से छूट कर मैं जल्दी पानी से बाहर निकल जाऊं। आखिरकार मैं बच गया। पर गाइस मेरे को दोबारा से उस रास्ते को पार करना होगा। इस बार तो मेरे को वो मगरमच्छ नजर नहीं आ रहा। मेरे को संभल कर चलना होगा ताकि मैं मगरमच्छ के हाथ ना आ पाऊँ। पर गाइस सामने तो राक्षस सेंटा क्लॉज की सेना है, मेरे को इनको एक साथ खत्म करना होगा। चलो टैंकर पर गोलियां मारकर हम उसको फोड़ देते हैं। ओहो, सबके सब एक साथ मर गए, पर ये एक कैसे बच गया, इसको भी मारना होगा। अब वो समय आ गया जब मेरे को आगे बढ़ना चाहिए। पर गाइस वो मगरमच्छ तो वापस आ गया, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा आखिर वो पानी से बाहर कैसे आ जाता है। मेरे को आगे बढ़ते रहना होगा, यहाँ तो सेंटा की लाश पड़ी है। मेरे को दूसरा रास्ता लेकर अपने शरीर तक पहुँचना होगा ताकि मैं वापस जिंदा हो पाऊँ। पर गाइस मेरी हालत देखो, उस मगरमच्छ ने क्या कर दी, सामने तो रास्ता खत्म हो गया। मेरे को यहाँ से जंप करना होगा तभी मैं वहाँ पर पहुँच पाऊँगा। ओके तो गाइस आप देख सकते हो मैं सुरक्षित यहाँ पहुँच गया, पर अभी काम खत्म नहीं हुआ, मेरे को और आगे जाना होगा। ओ भाई साहब, ये सामने कौन खड़ा है, इसका कुछ करना होगा तभी मैं इसको मार पाऊंगा। लेकिन गाइस काफी मेहनत के बाद भी वो रास्ते से नहीं हट रहा। चलो कोई और रास्ता खोजते हैं, क्यों ना मैं उसके ऊपर से निकल जाऊं, इससे वो बीच में भी नहीं आएगा। देखो उससे बचना कितना आसान था। गाइस सामने तो उसकी जैसी पूरी सेना है, एक तो पानी के अंदर कूद गया, शायद वो मेरे से डर कर यहाँ से भाग रहा है। अब मैं बाकियों की बैंड बजा दूंगा। ओ माय गॉड, ये कमीना वापस आ गया, मैं इसको तो भूल गया था। अब मेरी बेवकूफी की वजह से मेरे को इसका सामना करना होगा। पर गाइस मेरे को बिल्कुल नहीं लग रहा मैं इसका सामना भी कर पाऊंगा। अच्छा होगा इसके मुंह से निकलकर पहले के जैसे पानी से बाहर निकल जाऊं, नहीं तो इसका खाना बन जाऊंगा। देखो ये तो छोड़ ही नहीं रहा, पर काफी कोशिश के बाद में बाहर निकल गया। बस अब कोई मुसीबत ना आए, मेरे अंदर से तो सारा का सारा खून बाहर आ गया। चलो जल्दी कूद कर हम उसी जगह पर चलते हैं जहाँ से मगरमच्छ उठा कर ले गया था। पर गाइस मेरे को अभी भी इन शैतान का सामना करना होगा। शायद इसका दोस्त गुस्सा मान गया, इसको तो मैं नीचे फेंक दूंगा। पर गाइस पानी की वजह से वो जिंदा बच गया। चलो छोड़ो मेरे को आगे बढ़ना चाहिए, सामने तो बाइक खड़ी है। चलो आगे का रास्ता इससे पार करते हैं, पर अब मेरे को इसको उछालना होगा। ओ माय गॉड, इस बाइक ने तो धोखा दे दिया। अच्छा होगा मैं आगे पैदल ही जाऊं। पर गाइस एक बात समझ नहीं आ रही, ये रास्ता खत्म क्यों नहीं हो रहा, देखो सामने वो सभी शैतान। पर गाइस उनके पास आने पर मैं वापस से गायब हो गया। चलो जल्दी उनके पास जाकर सबको खत्म कर मेरी बॉडी ले लेते हैं। लेकिन पास आने पर तो सब गायब हो गए, अब मैं शरीर के अंदर घुस जाता हूँ। ओ माय गॉड, मैं तो वापस से इंसान बन गया, मेरा शरीर
और आत्मा तो एक हो गई। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसा करने में सिर्फ एक सेकेंड लगेगा।